उत्तर प्रदेश के इटावा में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस ने व्यापारी के साथ मारपीट की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर दुकानदार से मारपीट की, फिर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया और आरोपी सिपाही मोहित कुमार को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब खरीदने के लिए लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भूल गए। यहां लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए शराब खरीदते हुए नजर आए। यह देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो आनंद फानंद मॉडल शॉप के सेल्समैन को हिरासत में लेकर दुकान बंद करवाई गई। यह पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक का है। वाराणसी के कोरोना अस्पतालों में मरीजों को योग कराया जा रहा है ताकि वे इस महामारी से जल्द स्वस्थ हो सकें। पीपीई किट पहने थेरेपिस्ट मरीजों को योग करा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग वार्ड में जाकर भी थेरेपिस्ट योग के टिप्स दे रहे हैं। ये टिप्स देकर कोशिश की जा रही है कि मरीजों को सांस से जुड़ी दिक्कतें दूर हों। पीएचयू के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को ये थेरेपी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से भी शराब की दुकानों की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहां शराब खरीदने वालों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोग साथ में थैला लेकर आए तो कुछ सख्ती की आशंका को देखते हुए पूरी की पूरी पेटी लेकर घर गए। यहां जुटी भीड़ ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। आबकारी अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही दुकानों के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, बिना मास्क किसी को भी शराब ना दी जाए। हालांकि हकीकत कुछ और मिली। शराब की दुकानें जो हैं वो 10 बजे से खुली गई हैं और इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है कोविड गाइडलाइंस का। शराब की दुकानों से भी 100% पालन इसका सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अंतर्गत दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बना के दुकानदारों द्वारा शराब बेची जाए। वाराणसी में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ईएसआईसी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे लोगों का आरोप था कि यहां 3 से 4 दिनों से लगातार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इस बात से नाराज लोगों ने नारेबाजी की। फिर मौके पर डीएम कौशलराज शर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया, साथ ही सेंटर पर एक्स्ट्रा वैक्सीन रखने का निर्देश भी दिया है। तो कुछ सेंटर्स में पाया गया है कि कुछ 45 से ऊपर के जो लोग आ जाते हैं सेकेंड डोज के लिए, तो जो प्री रजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी वैक्सीन कम पड़ जाती है। तो ये व्यवस्था आज से बनवाई जा रही है कि प्री रजिस्टर्ड लोग जितने उस पर स्लॉट पे बुक हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन भी हर वैक्सीनेशन सेंटर पे दी जाए, ताकि 45 से ऊपर के सेकेंड डोज के जो लोग आते हैं उनकी पूर्ति की जा सके। और आज से इन सभी सेंटर्स को ऑनलाइन भी जोड़ा जा रहा है ताकि सुबह 9 से 11 इनकी ट्रैकिंग की जा सके।